अनिशा बीबी नाश्ता लगा दिया है। ठीक है हम आते हैं। अनिशा बहुत भूख लग रही है, नाश्ता करें? बस रूही आ जाए फिर करते हैं। क्या मतलब है इस बात का? ये कौन सा नया रूल है? मुराद रूल नहीं है, वो हमारे घर में हमारे लिए आई है, क्या हम उसे एक फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट नहीं कर सकते? नहीं कर सकते अनिशा, क्योंकि वो हमारी फैमिली मेंबर नहीं है। मुराद उसका बच्चा हमारी फैमिली का हिस्सा है, हम ये नहीं कर सकते उसके साथ। ये सब कुछ बोलेगा मत, वो आ जाएगी सुनेगी तो बुरा लगेगा उसे। ठीक मुराद, प्लीज अपसेट मत हो। हाँ तो क्या जरूरत थी आने की, रहने देते ना, मैं खुद आ जाती। रूही बच्ची थोड़ी है। इस चीज की ना इजाजत तुम्हें खाला देती हूँ ना ही मैं। तू कौन होता है मुझे इजाजत देने वाला? तेरी औकात ही क्या है? औकात का तो मुझे पता नहीं, लेकिन तुम्हारा मंगेतर होने की हैसियत से इतना हक तो बनता है मेरा। ओ जबरदस्ती के मंगेतर, अपने के हक शक ना अपने पास रखो। मुझसे जबरदस्ती करने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया, तुम्हें पसंद है ना गजरे? ये दो टके के फूल देके तुम शोहरों को लगता है कि दिल की बात बनवा लेंगे? इन्हें देख के खुशी नहीं हो रही तो पहन कर क्या करूंगी? तुम्हें क्या चाहिए मुझे बताओ, तुम मुझे कहो ना, मैं लाके देता हूँ तुम्हें। बोलो क्या चाहिए? आजादी।